अब एक चर्चे चेहरे हो गए हैं ऐसी एक्ट मामले को लेकर, क्या है ये? देखिए, ये एक ऐसा काला कानून है जो देश को बर्बाद करने वाला है। देश की 80% जो आबादी है वो इसके डायरेक्ट दायरे में आती है, चाहे वो पूरी स्वर्ण जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे पूरा अल्पसंख्यक समाज हो। हरिजन एक्ट से हमें कोई समस्या नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। अगर कोई उनका अपमान करता है तो आप उसको जेल में डाल दीजिए, लेकिन इस बात के लिए भी कोई चेक रखना जरूरी है। जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जांच करिए, जांच में अगर पाया जाए कि किसी ने गलती की है तो उसको आप जेल भेज दीजिए, अगर ये पाया जाए शिकायत झूठी है तो उसको परेशान मत कीजिए। हमारा भी यही कहना है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ हैं और उसी को ही जागरूक करने के लिए अपने समाज के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से ही अपने समाज को जागरूक करने के लिए निकले हुए हैं। और करीब 5000 गाँव में हमारी यात्रा जाएगी और 16 दिसंबर को एक महारैली गाजियाबाद में रखी है इस SC ST कानून के खिलाफ ही, जिसमें करीब 15 से 20 लाख लोग जो है शामिल होंगे। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाह रही है, केवल आप हैं, तो क्या रहेगा अगली अलग पार्टी? देखिए क्या है, हर पार्टी अपनी एक, ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी जो है सच और देश का भला करने वाला काम करने वाले के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीति इस हिसाब से करते हैं कि उनका वोट बैंक कैसे बढ़ेगा या उनके वोट बैंक को कोई नुकसान ना हो, चाहे उससे देश बर्बाद हो जाए, चाहे समाज जो है टूट जाए। ये जो कानून है, सबको मालूम है कि ये देश को और समाज को तोड़ने वाला है। एक तरफ तो सब लोग ये बोलते हैं कि भाई जातिवाद जो है फैलाना गलत बात है, लेकिन इस कानून के आने के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है पूरा हिंदू धर्म जो है 2 डिवीज़न में हो गया। एक तरफ पूरा SC ST हो गया, एक तरफ जो है पूरा जनरल कास्ट और पिछड़ी जातियाँ हो गई। जब एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी को बिना वजह जेल पहुँचवा देगा तो आप बताइए इससे देश के अंदर भाईचारा बढ़ेगा या फिर भाईचारा घटेगा?